अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको अपने साथ लेके जाएंगे। एक खतरनाक जगह पे हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। चलिए आप हमारे साथ चलिए। मैं ठीक हूँ तो तुम प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज जस्ट गो। मैं ठीक हूँ। जाओ। कौन है? वो लोग वो आ गए यहाँ पर भी। आप ना एक को तरीका है यहाँ से बचने का। यहाँ से निकलते हैं। चले यहाँ से। वो खाई की तरफ से निकलते हैं। आप हमारा हाथ थामिए। चलते हैं यहाँ से। आइए आप हमारा हाथ थाम के रखिए। आप ऐसा नहीं जा सकते। आपको माफ कर दीजिए दीदी। आपको माफ करना। ऐसा कैसे हो गया? हम नजर नहीं रख पाए। तभी तो आपका ऐसा दशा हो गया। उठिए ना दीदी। दीदी आपको माफ कर दो। आप सच में पगलौल है, बेवकूफ है। रवि! मालूम है तुम यहाँ किस मकसद से आए?
लेकिन हमारे रहते तुम उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि हम होने नहीं देंगे। बाप रे, लगता है इनको पता चल गया, रोकने पकड़ने आई है मुझे। हम खुशबू, देव नारायण, चंदेल, हमारी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो नशे में है। आप हमें बताएंगे चंदेल भवन किधर है? शुक्रिया। दीदी उठिए ना, दीदी उठिए ना, दीदी दीदी माफ कर दीजिए, दीदी आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। चलिए आप हमारे साथ चलिए, इतना खतरनाक जगह में तो हम एकदम नहीं छोड़ेंगे। चलिए चलिए, आप नहीं जा पाए ना, अपना कंधे भी लेके चलेंगे। चलिए, लेकिन आपको इस हाल में कहीं नहीं छोड़ेंगे। आइए, थोड़ा नहीं हो पाएगा। है, अब है ना, ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए आइए। नहीं, यहाँ बैठिए। हाँ कोई देख ना ले, वो उजाला होने से पहले ना इनको भीतर ले जाना होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ऐसा कैसे कर सकती तू, हमको छोड़ के कैसे जा सकती। लौट आओ ना प्लीज। नहीं, तू हमको छोड़ के नहीं जा सकती। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। कितना विश्वास था हमें तुम्हारे दिल पे, तुम्हारी तो बड़ी बड़ी कजरारी आंखों पे। यही दो नैनों ने वेदर जी से ठग लिया हमको, और तुमने पलक तक नहीं झपकाई हमारा दिल तोड़ने से पहले। तुम्हारे इन्हीं दो नैनों को दिल दिमाग सब दे बैठे हो, और तुम न जाने कहां छोड़कर चली गई हो। हम तो खाली हो गए, बर्बाद हो गए, अधूरे है, अधूरे है। आ,
भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। सुनिए, उठिए, उठिए। आपको हमारा आवाज सुनाई दे रहा है? उठिए, उठिए। अरे तो तब मैं बाहर से। तुम ठंडा हो गया हाथ पर। अपने चल रहा है ये बोले बाबा। बोले बाबा, बोले बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। बोले बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। अब कुछ करो, ऐसा नहीं कर सकते। तुम सुन रहे हमारा आवाज, हमारा आवाज आ रहा है आपको? क्या करें, क्या करें हम? हाँ, आप इधर ही रुकिए। हमारे बाबू उठिए ना। राजीव बाबू देखिए ना, वो लड़की ना बेहोश हो गई है। होश में नहीं आ रही है। डॉक्टर पास ले जाना होगा, अस्पताल लेके जाना होगा। उठिए ना राजीव बाबू, को बहुत डर लग रहा है। आप तो पहचानते भी नहीं है उसको। राजीव बाबू उठिए ना, छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे आपको छोड़। वो हंसनी ने बुलाई थी ना हमको भी और आपको भी, लेकिन हम मुठ ही नहीं रहे थे, इसलिए हमको अकेले जाना पड़ा। दीदी आए भी नहीं, वादा करके धोखा दे दी। तुम हमको छोड़ के चली गई। राजीव बाबू ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो समस्या है ना वो अलग है, बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए उठिए, उठिए ना, उठिए ना राजीव बाबू, उठिए ना। चलिए ना राजीव बाबू, उठिए, उठिए ना। सुनिए तो सही, उठिए ना, उठिए ना। अरे जो भी करना होगा हमको कर लूंगा। बोलिए मत दादा, आप बोलिए मत, आप शांत रहिए, सांस लीजिए पहले। मैं क्या जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आ गई? टेल मी। शांत, शांत, आप पहले शांत हो जाइए। हम हाथ जोड़ते हैं, आप जोर से मत बोलिए कोई, आप शांत हो जाइए। कहा था ना कि आप बेहोश हो गए थे, तो हम आपको अपने साथ यहाँ ले आए। हमारा ससुराल है, लेकिन यहाँ कोनो खतरा नहीं है आपको। बस आप शांत रहिए, अब डरिए मत, डर का ही रहे हम है ना। अब डरिए मत, क्यों ले आई मुझे? खत्म हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। क्या बोल रहे हैं आप? शांत हो जाइए, चली जाओ, जाने दो मुझे यहाँ से। शांत हो जाइए प्लीज, लेट मी। बार 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 वो हमको जाने दो। कह रहे हैं तबियत देखिए आप ना, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर चले जाइएगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाने दो मुझे। आप हमारा बात मानिए, आप पहले शांत हो जाइए। मुझे हेल्प करके ना, तुमने अपने ऊपर और अपने फैमिली पे बहुत बहुत बड़ी टेंशन बुला ली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। वो लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं ना, तो बहुत बुरे लोग हैं, बहुत खतरनाक। तो क्यों लाई हो मुझे? अब
हमारे पीछे पीछे वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। शांत शांत, मुझे जाना होगा। आप मुझे जाना चाहिए पहले। Let me go, शांत हो जाइए। Let me go, please। अरे आप देखें, आप ठीक से उठ भी नहीं पा रहे, आप जाने का नाम क्या ले रहे हैं? मुझे अगर इस घर के बारे में पता चला ना, पता चला कि अगर मैं यहाँ हूँ तो इस घर को, तुम्हारे इन लोगों को, सबको खत्म कर देंगे, सब सब डिस्ट्रॉय। जानवर है वो लोग, जानवर, एनिमल्स, डीमंस, अपने लिए और अपने घर के लिए डेंजर बुला लिया है तुमने। बहुत बुरा वक्त आ रहा है। इस घर में सारे लोग मारे जाएंगे, सारे लोग, एक आदमी भी नहीं बचेगा। ये जो इंग्लिश में आप फिट फिट करें ना, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमको बस एक बात बताइए कि सुनिए, कौन है ये लोग? हाँ, और ये जो लोग हैं आपका पीछा काहे कर रहे हैं, और वो हमारे परिवार को काहे मारेंगे, बताइए ना हमको। हाँ, और ये जो आप बोल रहे हैं कि जो लोग आपका पीछा कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पहुँच गए हैं? तो आपका पता कैसे कर लेंगे? मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है? कहाँ हो गया आप? तुम्हारे मोबाइल ढूंढ रहे हैं। मेरा मोबाइल कहाँ? अरे मेरे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके मुझे लोग ढूंढ लेंगे, पता चल जाएगा उन्हें मैं यहाँ हूँ, पता चल जाएगा मुझे, मुझे मेरा मोबाइल। अब बताए नहीं कि वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर मेरा मोबाइल आसपास गिरा होगा इसी घर में, तो लोग ढूंढ लेंगे मुझे। तुम क्यों लेके आई यार मुझे, यार क्यों लेके? क्या हुआ? लोकेशन यही दिखा रहा है, उसका फोन और वो इसी इलाके में है। तू उधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। चलो कहाँ टेंशन ले रहे हैं मोबाइल को लेकर? हाँ टेंशन मत लीजिए, शांत रहिए आप। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर मेरा मोबाइल या घर में या आसपास कहीं गिरा होगा तो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। बहुत बुरा वक्त आने वाला, लोग किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच जाएंगे, किसी भी वक्त। मुझे मुझे जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। अब आप पहले शांत रहिए, और आप बताए नहीं कि लोग कौन है, हमको बताइए तो सही। मैं नहीं जानती तुम्हें, मुझे बस इतना पता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। ऐसी हालत में कैसे जाएंगे? अरे तुम सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। नहीं, अब तो मुझे तो सही। अरे आप क्या करें? अरे आप हट जाओ, हटो, सामने से जा रहे हो। सर यहाँ पे कुछ है। एक टॉर्च दिखा। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में, आपका खबर यहाँ के लोग बाहर फैला देंगे तो हम वचन देते हैं आपको। आपका तबीयत जैसे ठीक होगा ना, हाँ, आप भोर होने से पहले ना यहाँ से निकल जाएगा, हम रोकेंगे भी नहीं उसको। बस अभी हाथ जोड़ते हैं, अभी मत जाइए आप, और थोड़ा शांत शांत। अरे ठीक है,
चलिए पहले बैठिए, जिद करके बैठे हैं आप, चलिए। दवाई तो नहीं ला सकते अभी, समय आपके लिए हम गरम गरम काढ़ा बना के लाते हैं, ठीक है? ओके हाँ प्लीज, मुझे प्लीज रहने को। आप पहले शांत हो जाइए, आपका तबीयत ठीक हो जाए फोन फटने दीजिए उसको, जहाँ आपको जाना है हम चले जाइएगा। पहले हम गरम गरम काढ़ा लाते हैं, उप पी लीजिए, आपका हिलिएगा मत, यहाँ से हिलिएगा मत, ठीक मत हिलिए। चारों तरफ फैल जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी जगह छूटने ना पाए। यस सर। चलो ढूंढो। चलो अरे बाप रे, इतना हल्ला होगा तो सब जग जाएंगे। आज बज गया, और होने वाला तो सब उठ जाएगा। क्या कर रही हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? काढ़ा है। काढ़ किसके लिए? हे भोले बाबा, अगर मौसी जी को तन को भनक लग गया ना कि कोई बाहर से आया है घर में, कि पूरे घर को ना सर पे उठा लेंगी।